Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, student? Hope you are fine. Alhamdulillah, we have completed our first term. हमने अपना first term जो है वो complete कर लिया. Exam दे दिया आप लोगों ने. उम्मीद है कि मज़ा आया होगा paper देके. First time आप लोगों ने papers दिए और paper भी बहुत अच्छे हुए होंगे. Result भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा. चलें अब हम आज जो है अपना second term जो है वो start करने जा रहे हैं. Second term में जो book हम पढ़ेंगे वो बुक है आपकी इकरा साइंस बुक टू फॉर प्रैप सिक्स. मौजूद होगी आप सबके पास. जब भी साइंस की ऑनलाइन क्लास हो तो आपको ये बुक अपने पास रखनी है, ठीक है. सेकंड टर्म में जो है वो आपको कॉपी भी यूज़ करनी है, तो ये कॉपी भी आपके पास मौजूद होगी, तो इसको भी आपको यूज़ करना होगा, ठीक है. तो किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है. चलिए जी, आज जो है बुक टू से जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर वन है, ठीक. हमने अपने प्रीवियस टर्म में आपने डिस्कस किया था कि हमारी सराउंडिंग्स में हमें टू टाइप्स की थिंग्स नज़र आती हैं. कौन सी हैं वो टू टाइप्स की थिंग? यस, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं? थिंग्स डेट हैव लाइफ इन देम. वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर क्या मौजूद हो, लाइफ हो, वो क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं हम? थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम. वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर लाइफ मौजूद ना हो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग. अब लिविंग थिंग्स जो है आपको अपने सराउंडिंग्स में कौन कौन जो है वो लिविंग थिंग्स नज़र आ रहा है? जी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. हम भी क्या हैं? हम भी लिविंग थिंग्स हैं. इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो सब के सब क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग. आज जो लिविंग थिंग इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है द एनिमल, ठीक है. तो चैप्टर नंबर वन जो है वो हमारा क्या है? द एनिमल, ठीक. एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. अब एनिमल्स जो है वो आपको अपने घरों में भी नजर आते हैं, घर से बाहर भी नजर आते हैं. क्या एनिमल्स सारे एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना. एनिमल्स वेरी फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. एनिमल जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं. किन किन वजूहात के बिना पर कैसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं हमें? जी बताइए. साइज की बेस पर, ठीक है. आपने देखा कुछ एनिमल्स जो है वो बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है. बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देखें एनिमल्स में डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके जो हमें देखते हैं उनकी बॉडी जो होती है उनमें हार्ड शेल मौजूद होता है. कुछ एनिमल्स ऐसे नज़र आते हैं जिनके बॉडी में स्केल्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हैं, ठीक. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी क्या होती हैं आपके पास विंग्स मौजूद होती हैं और फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जिसकी एग्जांपल आती हैं, ठीक. इसी तरह से आपने देखा कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके टीथ लॉन्ग टीथ होते हैं, कुछ के शार्प होते हैं. क्लॉज देखे होंगे, पंजे जिसे हम कहते हैं, ठीक है. शार्प क्लॉज भी होते हैं बहुत से एनिमल्स में, ठीक. तो अब आपके पास जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. प्लेस ऑफ लिविंग भी देखें आप, जिसे हम हैबिटेट भी कहते हैं. हैबिटेट भी रहने की जगह. सारे एनिमल्स आपको एक जगह तो नजर नहीं आते ना. बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो लैंड पे होते हैं, ज़मीन पे. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहाँ नज़र आते हैं? वाटर में, पानी में होते हैं, ठीक है. बहुत से ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि कहाँ होते हैं? लैंड और वाटर बोथ जो है जगह पर मौजूद, दोनों जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक. कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं, जिनके विंग्स हैं वो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स हैं जो. अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं फूड दे, फूड की बेस पर भी एनिमल्स एक दूसरे से वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं. हर एनिमल जो एक तरह का फूड यूज़ नहीं करता ना. कुछ एनिमल्स आपको ऐसे नज़र आते हैं जो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं या फिर दूसरे प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. कुछ एनिमल्स आपको ऐसे नज़र आते हैं जो फ्लैश जो है वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं, मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं एनिमल्स का. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को भी ऐसा फूड यूज़ करते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल भी यूज़ कर रहे होते हैं, गोश्त भी खा रहे होते हैं, ठीक है. तो अब इतने डिफरेंट हम देख रहे हैं एनिमल्स, इतनी वेज इनके अंदर डिफरेंट वेज हमें इतने नज़र आ रहे हैं. तो अब इन एनिमल्स को जो है इनको हमें डिस्कस करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना इतने डाइवर्स ग्रुप में बहुत मुश्किल है. फिर हम क्या हमने की है, सिमिलैरिटीज़ की बेस पर हमने एनिमल्स की क्या कर दी है? क्लासिफिकेशन. सिमिलैरिटी हमने क्या रखी है, किस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन की?
बैकबोन की बेस पे। बैकबोन किसे कहते हैं हम? रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, ये है आपको सेंटर में जो है वो आपके बैक में बोन मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? बैकबोन। इस बेस पर हमने एनिमल्स की क्या की है? क्लासिफिकेशन। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ये बैकबोन मौजूद होती है। जिन एनिमल्स में ये बैकबोन मौजूद है वो क्या कहलाते हैं? एनिमल्स विद बैकबोन, दे आर ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और दूसरा ग्रुप हमने कौन सा बनाया एनिमल्स का? एनिमल्स विदाउट बैकबोन, वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं है, राइट, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब कौन से एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स में? बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ह्यूमन है इसके अंदर, हम खुद हैं, आप देखें अपने आप बैक पे जो है वो फील करें, आपको सेंटर में जो है वो बोन नजर आती है, अभी मैंने यहाँ दिखाया आपको। ठीक है, सेंटर में जो है वो क्या है? बैक बोन है, बोन से बनी हुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। तो ह्यूमन में भी मौजूद है, फ्रॉग है आपके पास उसमें भी है, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, ये डक है आपके पास, रैबिट है, ये सब, कैट, डॉग, सब एनिमल्स ही क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनके अंदर हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है बोन्स का और इनके अंदर बैकबोन मौजूद है, ये क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। सेकंड हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और ये बॉडी इनकी कैसी होती है? जब बोन्स नहीं होंगी तो बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी, और ये क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल इसके अंदर स्पाइडर, स्नेक, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच देखें, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई है इसकी एग्जाम्पल, स्टारफिश है इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? सारी के सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ये सारे एनिमल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलिए ज़रा बुक में देख लेते हैं हम। बुक में जो है वो आपके पास द एनिमल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 द एनिमल्स। एनिमल्स इसको रीड करते हैं हम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बुक 1 दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बुक 1 दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम ऑन लैंड, सम इन वाटर एंड लैंड बोथ, व्हाइल अदर हैविंग विंग्स एंड कैन फ्लाई। दे वेरी फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। सम एनिमल्स हैव स्केल्स एंड शेल, सम हैव शार्प क्लॉस, पंजे, ठीक है, एंड टीथ। सम ईट प्लांट एंड ग्रास एंड सम फीड ऑन फ्लैश, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, ठीक है। सम एनिमल आर वेरी ह्यूज इन साइज व्हाइल अदर आर स्मॉल, ठीक है। टू स्टडी सच अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर क्लासीफाइड इन टू टू मेजर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ की बेस में हमने एनिमल्स को टू मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया है। नंबर 1 एनिमल्स विद बैकबोन, क्या कहते हैं उनको? वर्टिब्रेट्स, ठीक। द एनिमल्स विच हैव बैकबोन इन देम आर नोन एज एनिमल्स विद बैकबोन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, एलिफेंट, कैमल, फिश, फ्रॉग, स्नेक, डक, बर्ड, ह्यूमन, ठीक है, सब नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, बैकबोन, सॉरी, क्या हैं ये सारे? वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बैकबोन इज द लाइन ऑफ स्मॉल कनेक्टेड बोन्स डेट आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ योर बैक, ठीक है। आपके जो है बैक में मिडिल में जो है वो क्या मौजूद हैं? स्मॉल बोन्स हैं जो कनेक्ट हुई हुई होती हैं और क्या कहलाती हैं? बैक बोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट, एनिमल्स विदाउट बैक बोन इन वर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैक बोन इन दैम आर नोन एज एनिमल्स विदाउट बैक बोन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्पाइडर है, ठीक है, जेलीफिश, ये देखें जेलीफिश यहाँ भी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, सही। इसके अलावा हाउस फ्लाई है इसकी एग्जाम्पल, अर्थवर्म है इसकी एग्जाम्पल, ये देखें अर्थवर्म हमारे पास मौजूद है, ठीक। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल वास्प, ठीक,
बटरफ्लाई, ये देखें ये बटरफ्लाई देखी भी होगी आप लोगों ने, बटरफ्लाई मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है स्टार फिश, ठीक, ये देखें स्टार फिश, स्टार की तरह की है फिश, स्टार फिश कहते हैं। इसके बाद क्या है आपके पास, टेप वॉर्म, ये देखें फ्लैट होती है इसकी बॉडी, टेप की तरह का, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, टेप वॉर्म, ठीक। इसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है, ये देखें यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको ऑक्टोपस। इसके बाद स्नेल है, ठीक है, ये देखें यहाँ भी नज़र आ रहा है स्नेल, ये भी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स, इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, इन सब की बॉडी क्या है, सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि इनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं है। इसके बाद जो है एक और एग्जांपल यहाँ मौजूद है, लीच, ठीक, ये लीच भी ये क्या है आपका, इनवर्टिब्रेट, ये भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ये देखें ये लीच भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक। चलिए जी, अब उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा, होमवर्क नोट कर लीजिए आप, डू एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, ठीक है, बुक वर्क है ये आपका, एंड एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड 2 कॉपी वर्क है, इसे कॉपी में करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, और जो याद करने का है उसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चले आ जाएं एक्टिविटी नंबर 1 क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है आपके पास बुक में, आप पेज नंबर 6 देख लीजिए। डू यू हैव बैकबोन इन योर बॉडी फील बाय टच, ठीक है, ये परफॉर्म करनी है आपको, आपके बैकबोन आपको अपनी बॉडी में फील करनी है, तो टच करके जो है, अभी मैंने आपको बता दिया आपकी बॉडी में बैक में जो है वो क्या मौजूद है, बैकबोन, ये देखें इसको आपको टच करके फील करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, नेम सम मोर एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ये तो आपको मैंने दिखा दिया, आपने यहाँ बुक में देख लिया कि ये इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है, इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे, आप जानते होंगे, सर्च करें और इनके नाम जो है वो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी नंबर 3, ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 3 पेज नंबर 8, ठीक है। ज्वाइन द एनिमल्स विद करेक्ट बॉक्स, ये दो बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स है एनिमल्स विद बैकबोन का, सेकेंड बॉक्स है एनिमल्स विदाउट बैकबोन, एनिमल्स हैं ये, अब जो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन है उसको फर्स्ट वाले बॉक्स से मैच करेंगे, जिनके अंदर बैकबोन नहीं है उनको किससे मैच करेंगे, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। देखिए नंबर 1 पे फिश है, फिश के अंदर क्या बैकबोन होती है, जी, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, एनिमल्स विद बैकबोन। बटरफ्लाई है, इसके अंदर बैकबोन नहीं होती, तो एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट है वो सब क्या होंगे, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। क्या है, कैट, कैट क्या होगा, एनिमल्स विद बैकबोन। ये आपके क्या है, एंट, एंट किस में आएगा, एनिमल्स विदाउट बैकबोन। बियर किस में आएगा, एनिमल्स विद बैकबोन, ठीक है। इसी तरह से इस वाले कॉलम में भी आपको मैच करना है एनिमल्स को इन दो बॉक्स के साथ, कर लेंगे अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी है, और पेज नंबर 19 में एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नंबर 1, इसका 1 और 2 करेंगे, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, ये कॉपी में करना है, ठीक है, ये कॉपी है आपके पास, कॉपी में इस तरह से टाइटल पेज बना लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 द एनिमल, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे डेट पहले मेंशन कर लीजिएगा, पेज नंबर इंग्लिश उर्दू दोनों में डेट डल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डाल लें, हेडिंग डालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपके पास क्या मौजूद होगी, ब्लैक ब्लू कलर पेंसिल मौजूद है, उससे एक डालिएगा ब्लू कलर पेंसिल से। नंबर 1 आपने लिख लिया, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, ठीक, आंसर है इसका, वर्टिब्रेट्स की पहले हेडिंग डालेंगे, ये वर्टिब्रेट्स की हेडिंग है, इसका आंसर क्या है, एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक। एग्जाम्पल कोई सी भी, इतनी सारी एग्जाम्पल दी हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई है लायन है, कैमल, फिश, एक्सेट्रा, ठीक है, ETC, इसके अलावा वगैरह वगैरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, कोई सी भी 3 लिख दें। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, इसका नंबर 2, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो ये आप यहाँ लिखेंगे नंबर 2, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की हेडिंग डाल दी आपने, एनिमल्स विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, और फिर आप इसकी भी क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल ये देखी है आपने, कोई सी भी 3 लिख दें, ठीक है, यहाँ जो लिखी हो, एंट है, स्नेल है, स्पाइडर है, ठीक है, ETC, आ गया समझ में, ठीक।
तो साफ सुथरा काम कीजिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा स्पेलिंग्स के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।